नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन, काफी तादाद में इकट्ठे हुए लोग और अपनी मांग को लेकर किए धरना प्रदर्शन। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। तो मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मुझसे पहले सब कुछ लोगों ने बोल दिया। हमारा सबसे पहला मुद्दा है, जब मैं पहली मीटिंग में शुरू हो आया था तो उस टाइम बड़े बड़े ऑफिसर थे, तो उनका मुद्दा था कि A1 रैंक 1%। तो मेरी समझ में वो क्वेश्चन ही नहीं आया कि 1 रैंक 1% है क्या है? मैं उनसे सवाल कर रहा था जो हमारे ऑफिसर थे कि 1 रैंक 1% है क्या, जब हमारी पेंशन ही नहीं तो 1 रैंक 1% कहां से हो गया? पहले तो हम ये बात करें कि हमारी पेंशन तो बहाल हो, हमारे हमें पेंशन तो मिले, फिर हम 1 रैंक 1% का सवाल करें। तो मेरे दोस्तों और साथियों, हम सरकार के अगेंस्ट गरीबी नहीं हटाओ, क्या आप लोग ये समझते हैं? अगर एक जवान 36 साल नौकरी करे उसकी पेंशन नहीं है, और एक पार्लियामेंट, एक सांसद, एक एमएलसी एक साल के लिए आए तो उसकी पेंशन। मैं अगर इसके साथ साथ एक बात आपको और याद दिला दूं, वो बात ये है कि हमारा देश, मैं फखर से कहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं मानता हूं हमारा देश सेक्युलर है, लेकिन मैं सरकारों से ये पूछता हूं, वो आपकी सेक्युलर रेफर सिर्फ जुबान पे है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर सेक्युलर लफ्ज इस्तेमाल करते समय इनको शर्म आनी चाहिए। किस जगह से ये सेक्युलर कहते हैं? हम हिंदुस्तान के अंदर, वो अंग्रेज सरकार थी 1939 में जिसने हमारी पेंशन थी, और जब हमारे अपने आए तो उन्होंने हमारी पेंशन बंद कर दी। क्या ये सेक्युलर है? क्या इसको आप सेक्युलर मानते हो? सेक्युलर हम तब मानेंगे जब या तो राष्ट्रपति से लेकर सफाई कर्मचारी तक पेंशन बंद करो। अगर मैं ये कहूं राष्ट्रपति को भी मिले और एक सफाई कर्मचारी होगा, आर्मी का होगा, एयरफोर्स का होगा, नेवी का होगा, उनकी पेंशन है, तो हमारे 40-40 आदमी, हमारे 76 आदमी एक एक दिन शहीद हूं, उनकी पेंशन नहीं है। मैं कैसे मानूं इसको सेक्युलर? शेर खान तुम आगे बढ़ो, शेर खान तुम आगे बढ़ो। आज हमें शर्म आती है अपने आप पर, और अपने पार्लियामेंट के लोग जो बैठे हैं हमारी सरकार का नाम लेते हुए, मुझे शर्म आती है। क्यों शर्म आ रही है? ऐसे काम क्यों किए इन्होंने? आज तक मैंने जो देखा है, आज 5 साल या 6 साल से हम लगातार आ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, हमारी बात सुनने को तैयार कोई नहीं है, हमारी बात करने को कोई तैयार नहीं है। मैं ये कहूं, अगर वो सेना की बात करते हैं, सेना हमारे देश की रक्षा करती है, उनकी अगर पेंशन है, एयरफोर्स की पेंशन है, तो नेवी की पेंशन है, मैं मानता हूं उनकी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि उसके साथ आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा समझाने के लिए, आप लोग मुझे सब समझदार हैं। एक जगह हम अगर 10 आदमी ड्यूटी करते हैं,
और उसमें चार सेना के 8 अर्धसैनिक बल हैं। हम रोज एक जगह ड्यूटी जाते हैं, वहां पर एक टेररिस्ट ने अंबोश लगाया हुआ है। क्यों? उसको पता है ये रोज इस टाइम आते हैं, यहाँ उतरते हैं, इनके पास हथियार ये, वो अंबोश लगाया। गाड़ी से उतरते ही 10 के 10 शहीद मर दिए। सेना वाले को अगर 2004 के बाद है तो उसको 18 साल फुल तनख्वाह, ये सोचने की बात है। 18 साल बाद फुल पेंशन, शहीद का दर्जा 35 लाख रुपया, और अर्धसैनिक बल को 15 लाख रुपया दिया। वो भी कोई हिम्मत वाला है उसके पीछे तो वो ले ले, नहीं तो उसको कुछ नहीं मिलता। जगह भी एक, बात सोचने समय नहीं दिया। जगह भी एक, ड्यूटी भी एक, मारने वाला भी एक, हथियार भी एक, और देश भी एक। ये पार्लियामेंट में बैठ के बोलते हैं हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर तो सिर्फ आप लोगों पार्लियामेंट में बैठने वाले, जो कानून चाहो जो बनाओ। उनसे अर्धसैनिक बलों ने क्या कसूर किया था कि उनकी ना पेंशन, ना शहीद का दर्जा, ना उनके बच्चों को कोई फैसिलिटी, और फिर बोलते हैं बड़ा सीना छोड़कर ये हमने जाके दूसरे देशों में बोलते हैं हमने देश के अंदर ये किया। देश के अर्धसैनिक बलों को तो पूछो, हम लोग अच्छी तरह सकले हम तब मानेंगे जब या तो राष्ट्रपति से लेकर सफाई कर्मचारी तक पेंशन बंद करो। अगर मैं ये कहूं राष्ट्रपति को भी मिले और एक सफाई कर्मचारी होगा, आर्मी का होगा, एयरफोर्स का होगा, नेवी का होगा, उनकी पेंशन है, तो हमारे 40-40 आदमी, हमारे 76 आदमी एक एक दिन शहीद हूं, उनकी पेंशन नहीं है। मैं कैसे मानूं इसको सेक्युलर? शेर खान तुम आगे बढ़ो, शेर खान तुम आगे बढ़ो। आज हमें शर्म आती है अपने आप पर, और अपने पार्लियामेंट के लोग जो बैठे हैं हमारी सरकार का नाम लेते हुए, मुझे शर्म आती है। क्यों शर्म आ रही है? ऐसे काम क्यों किए इन्होंने? आज तक मैंने जो देखा है, आज 5 साल या 6 साल से हम लगातार आ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, हमारी बात सुनने को तैयार कोई नहीं है, हमारी बात करने को कोई तैयार नहीं है। मैं ये कहूं अगर वो सेना की बात करते हैं, सेना हमारे देश की रक्षा करती है, उनकी अगर पेंशन है, एयरफोर्स की पेंशन है, तो नेवी की पेंशन है, मैं मानता हूं उनकी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि उसके साथ आपको एक छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा समझाने के लिए, आप लोग मुझे सब समझदार हैं। एक जगह हम अगर 10 आदमी ड्यूटी करते हैं और उसमें 4 सेना के 8 अर्धसैनिक बल हैं, हम रोज एक जगह ड्यूटी जाते हैं, वहां पर एक टेररिस्ट ने अंबोश लगाया हुआ है। क्यों? उसको पता है ये रोज इस टाइम आते हैं, यहाँ उतरते हैं, इनके पास हथियार ये, वो अंबोश लगाया। गाड़ी से उतरते ही 10 के 10 शहीद मर दिए। सेना वाले को अगर 2004 के बाद है तो उसको 18 साल फुल तनख्वाह, ये सोचने की बात है।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।